दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए चैनल ईपीएस एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात शिक्षा समस्या समाधान पर। देखो दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब लाइब्रेरी जाने का भी मूड नहीं था, लेकिन आप सभी को पिछली स्ट्रेटेजी में शेयर किया था कि कैसे हम 30 डे में नेट GRF क्रैक करें, तो उसके लिए जाना पड़ा और यूनिट तैयार करनी थी पूरी, तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी यूनिट तैयार कर लिया। आओ शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें है हमारी यूनिट का नाम जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति। इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि अगर वैसे पढ़ेंगे ना डिटेलिंग में तो बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन हमें पूरी डिटेलिंग में नहीं जाना। जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर जैसे पूछे जाने की संभावना है, तो मैं वो सब आपको बताऊंगी, क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर ये पूरे किए हैं तो मुझे पता है कि कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाने की संभावना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। आओ फिर शिक्षण, अब फर्स्ट जो पॉइंट है वो ही मैं डिक्टेट करने जा रही हूँ। फर्स्ट है शिक्षा और शिक्षण, मतलब एजुकेशन और टीचिंग। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें पूछा जाएगा कि शिक्षा कि शिक्षा कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो शिक्षा लैटिन शब्द एडुकेटर से लिया गया, ठीक है। याद रखना जो शिक्षा है वो हमारे लैटिन शब्द एडुकेयर से लिया गया है, और इसमें इसका अर्थ क्या होता है, एडुकेयर का अर्थ है प्रशिक्षित करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो देख लेना, ठीक है। और सेकंड है, सेकंड पूछेंगे जो शिक्षण है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो शिक्षण के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। औपचारिक शिक्षण क्या होता है, औपचारिक शिक्षण होता है जो हम स्कूल में जाके गेन करते हैं, ठीक है, जो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं बुक्स के थ्रू जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो औपचारिक में आता है। और अनौपचारिक में क्या आता है, मतलब इनफॉर्मल में क्या आता है, जो हम घर में रह के, मतलब जो हमारे पेरेंट्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें बताते हैं, हमारे बहन भाई हमें जो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं और जो हम बाहर के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है, ठीक है। अब ये हो गया, दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक तो पूछेगा कि शिक्षा कहाँ से लिया गया है, तो शिक्षा लैटिन शब्द एडुकेयर से लिया गया है, जिसका एडुकेयर का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना। सेकंड है शिक्षण कितने प्रकार का होता है, तो शिक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक में बता दिया है जो हम स्कूल में जाके शिक्षा गेन करते हैं, अनौपचारिक जो हमें घर में और बाहर के वातावरण से सीखने को मिलता है वो अनौपचारिक शिक्षा में आता है। अब दो क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, अब थर्ड पे आते हैं। ये जो है ना शिक्षण के स्तर, थर्ड है शिक्षण के स्तर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर है, तो आप सबको याद रखना है कि शिक्षण के तीन स्तर है। शिक्षण के कितने स्तर है, तीन स्तर है। एक मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तीन लेवल है इसके। अब मेमोरी लेवल मतलब स्मृति स्तर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर, और थर्ड है चिंतन, चिंतन स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसमें ना एक तो ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे कि शिक्षण के कितने स्तर हैं, तो तीन बता देने हैं, स्मृति अंडरस्टैंडिंग मतलब अवबोध, और थर्ड है चिंतनशील रिफ्लेक्टिव। अब इसके ना सेकंड में पूछेंगे कि इसके प्रस्तावक कौन है। अब इसका ना एक ट्रिक है, जैसे मैंने याद करा ना वैसे बताती हूँ, ठीक है। अब स्मृति जो लेवल है ना इसके प्रस्तावक पूछेंगे। स्मृति में स म र नीचे र होता है ना, तो हर्बर्ट में भी दो र होते हैं ऊपर, तो जहाँ स्मृति आए ना और ऑप्शन हो हर्बर्ट मॉरिसन हंट, तो आप समझ जाना स्मृति में नीचे र आया तो हर्बर्ट है इसके, ठीक है, दो र है ऊपर। और अवबोध के है मॉरिसन और चिंतन, चिंतन के भी हम याद रख सकते हैं, चिंतन त तो पे ऊपर अंकी बिंदु होती है ना, मतलब मात्रा होती है, बिंदु ही बोलते हैं, चिंतन ना प्रोनाउंस होते हैं ना, चिंतन। तो हंट इसके हैं, हंट इसके प्रस्तावक है हंट, ठीक है। अब ये किनको परिभाषित करता है, जो स्मृति लेवल होता है ये तथ्य है, मतलब फैक्ट्स की बात करता है, और इसमें अभ्यास करने के लिए इसको प्रेरित करता है, कंठस्थ मतलब इसमें ना रटंत एक तरीके से रटवाया जाता है, ठीक है, स्मृति लेवल में रटवाया जाता है फैक्ट्स को, और समझाने पे इतना बल नहीं दिया जाता। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें ना फैक्ट्स को याद कराया जाता है और उनको समझाया भी जाता है। और जो ये थर्ड है चिंतन लेवल, इसमें ये समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है, क्या होता है इसका, शिक्षण का ये समस्या केंद्रित, मतलब ये समस्या पर केंद्र बिंदु, मतलब ज्यादा फोकस ना ये समस्या पे करता है, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढता है, मतलब चिंतन करता है, ठीक है। और जो ये चिंतन है ना इसमें पूछ सकते हैं कि लेवल के हिसाब से, जो चिंतन रिफ्लेक्टिव लेवल है ये शिक्षा का उच्चतम स्तर है, क्या है,
रिफ्लेक्टिव लेवल जो चिंतन स्तर है वह शिक्षा का सबसे ऊपर का स्तर है। ठीक है, अब पूछते हैं थर्ड, तीन क्वेश्चन हो गए, अब फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। जो शिक्षण होता है हमारा, जो हम एजुकेशन देते हैं उसमें हमें कौन कौन सी सामग्री हमारी हेल्प करती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सी तकनीक है, ये ऑनलाइन है, जैसे कि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या हेल्प करता है, एक तो करता है इसमें तकनीकी के आधार पर दो, ठीक है, एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे, क्योंकि अभी मेरे पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं ना, तो ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगर आने वाले टाइम पे मैं आपको कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो वो सारा सॉफ्टवेयर में आएगा। उसमें फिर हम चित्र, ग्राफ, मैपिंग वगैरह के थ्रू समझाएंगे ना, तो वो सारा सॉफ्टवेयर में आता है। अब हार्डवेयर में क्या आता है, इसमें जैसे रेडियो के थ्रू शिक्षा दी जाती है, टेलीविजन, रिकॉर्ड और प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्ट करके जो दिखाते हैं ये आ जाता है हार्डवेयर में। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनता है, जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब हुआ, ये पूछ सकते हैं। जो आकाशवाणी है, पहले तो आकाशवाणी चलती ना, आकाशवाणी आकाशवाणी, तो आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है 1936 में, कब 1936 में। फिर जो ये सेकंड है विविध भारती, पहले चलता नहीं था टीवी पे विविध भारती, तो विविध भारती की शुरुआत कब हुई थी 1957 में। और भारतीय स्टेट, अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो कब बनी, भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो कब बनी थी। जो ये भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी ना, ये ऑल इंडिया में मतलब कब कन्वर्ट हुई थी या ऑल इंडिया रेडियो कब बनी थी, ये तो ये बनी थी 1937 में, ये याद रखना तीनों बहुत जरूरी है। अब आता है 1937 में ही रेडियो पर, हाँ इसमें 1937 में एक चीज याद हो रखना, 1937 में ही रेडियो पर स्कूल प्रशासन सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुआ था, कोलकाता रेडियो स्टेशन से किया गया था। ठीक है, अब एक आता है जो मैचिंग में आ जाता है, जैसे कि शिक्षण सूत्र और उसके प्रतिपादक कौन है। अब संपूर्ण से ऐसे पूछेंगे, संपूर्ण से अंश की ओर, ये इसका प्रतिपादन किसने किया, संपूर्ण से अंश की ओर, तो गेस्टाल्ट वैज्ञानिक की ओर जाना। ठीक है, स्व अध्ययन जो हम सेल्फ अध्ययन करते हैं ना, उसका प्रतिपादक डॉल्टन, सेल्फ अध्ययन के प्रतिपादक डॉल्टन। और भावना का प्रशिक्षण मोंटेसरी और फोएबर, ठीक है ये याद रखना है। अब एक है ये बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना आप 100%, ठीक है 100% श्योर हूँ कि बनेंगे। अब जो ये मुख्य अवधारणाएं हैं और मुख्य प्रतिपादक है, कि अवधारणाएं दी हैं 6-7 अवधारणाएं हैं और उसका प्रतिपादक पूछा गया कि कौन है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है प्राथमिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा प्रणाली, वर्धा आए ना याद रखना बस, वर्धा महाराष्ट्र में है, वर्धा शिक्षा प्रणाली गांधी इसके प्रतिपादक थे, वर्धा शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, गांधी जी। सेकंड है प्राकृतिक वातावरण में सीखना, जो हम प्रकृति वातावरण से सीखते हैं ना वो, और प्लस प्रकृति से सीखना, प्रकृति आ जाए या प्राकृतिक वातावरण से सीखना आ जाए, तो इसके प्रतिपादक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मतलब ऐसे याद रखना कि इन्होंने प्रकृति के बारे में, प्रकृति के वातावरण के बारे में, कि प्रकृति से सीखो, प्रकृति से सीखो, इन्होंने बहुत ही बात की थी। तो ये किसने बात की थी ज्यादा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एक है इंटेलिगल एजुकेशन, मतलब सपाकल शिक्षा, आई थिंक इससे नहीं पूछेंगे तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों वर्धा और प्रकृति वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। पर इसको भी बता देती हूँ, सपाकल शिक्षा श्री अरविंदो। अब फोर्थ है भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित, ये किसने बोला था या ये इसके प्रतिपादक कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी थे, इन्होंने भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर बात की थी। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला था कि इस पर ध्यान केंद्रित करें, भारतीय दर्शन के जो आध्यात्मिक पहलू होते हैं ना, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ये किया था राधाकृष्णन जी ने। और मानव, फिफ्थ है मानव मस्तिष्क ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एजुकेशन, इनकी बात की थी जय कृष्ण मूर्ति ने। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जॉन डेवी,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मतलब अनुभवात्मक लर्निंग जॉन डेवी। कोई औपचारिक, हाँ ये याद रखना, कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ये कहा था रूसो ने, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में थिंकर के रूप में है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है पॉलिटिकल साइंस में, तो लेकिन इसमें है कोई औपचारिक शिक्षण नहीं बल्कि प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ये किसने कहा था, रूसो ने। तो ये स्टेटमेंट्स, ये जो अवधारणाएं है ना सेवन, तो इनको याद कर लेना। अब पूछते हैं लर्निंग में ना, लर्निंग मतलब अधिगम, हिंदी में बोलते हैं अधिगम। देखो अब पूछेंगे लर्निंग क्या है, अब मैं आपको लर्निंग बताती हूँ लर्निंग क्या है। लर्निंग ना हमारी जो हमें सीखने की वो है, कहते हैं कि लर्निंग, तुम्हारी लर्निंग कब से स्टार्ट है, या पूछ लेंगे लर्निंग कब से कब तक होती है, अधिगम कब से कब तक होता है। तो ये ना हमारा जब जन्म होता है ना, जन्म से लेकर मतलब मृत्यु तक चलती है हमारी लर्निंग, ठीक है। हम किसी न किसी रूप में सीखते ही रहते हैं, कभी हम एक विद्यार्थी के रूप में सीखते हैं, कभी हम एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ा भी रहे हैं ना तो भी हम बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंसान को सब कुछ है, एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बहुत सी चीजें मुझे आती होंगी, बहुत सी चीजें नहीं आती, वो आप लोगों को पता होगी, तो मैं आप लोगों से भी सीख सकती हूँ। एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखता है, नई नई चीजें सीखता है, ठीक है। तो अगर पूछे ना अधिगम, जो लर्निंग होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब आजीवन चलती रहती है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, मतलब जब इंसान का जन्म होता है ना तभी से वो सीखना शुरू करता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती ना वो तब तक सीखता ही रहता है, ठीक है। तो लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अब पूछते हैं लर्निंग मेथड, लर्निंग मेथड कितने हैं? लर्निंग मेथड तो सभी को पता है दो है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। आजकल सबको पता है ऑनलाइन का ज्यादा चल रहा है, और अच्छा भी है एक तरीके से। तो ऑनलाइन मेथड बताते हैं, ऑफलाइन तो सबको पता है जाना है कोचिंग में पढ़ना है, ये सब ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन में, ऑनलाइन के माध्यम बताए गए हैं मेथड, एक तो स्वयं, और ये स्वयं ये बहुत जरूरी है, स्वयं से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में भी और अभी भी बनेंगे, स्वयं से, स्वयं प्रभा से, मूक से, और यूट्यूब तो है ही एक ऑनलाइन माध्यम, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से आजकल बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी, तो काफी हेल्पफुल है। जो बच्चे इकोनॉमी वीक होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो यूट्यूब से पढ़कर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो आराम से निकाल सकते हैं, उनके लिए उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है या ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब हमारे ऑनलाइन मेथड है। अब स्वयं के बारे में पूछेंगे, स्वयं के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि स्वयं प्रभा मूक्स के बारे में। अब स्वयं क्या है, ये भारत सरकार द्वारा पूछ सकते हैं कि स्वयं किसने स्टार्ट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मतलब भारत सरकार ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसमें शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांत बताए गए। फर्स्ट क्या है, पहुंच, मतलब हर इंसान तक पहुंच होनी चाहिए। सेकेंड है निष्पक्षता, और थर्ड है गुणवत्ता, ठीक है। ये तीनों आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं स्वयं में और स्वयं प्रभा। अब सेकंड है स्वयं प्रभा की बात करते हैं, सेल्फ एडुकेशन, ठीक है। इसमें इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और संभावना है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार बनते हैं। अब कहां से बनाएगा, अगर टीचिंग एप्टीट्यूट है तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे ना, एनटीए कहां से लाएगा नए क्वेश्चन। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आने हैं। तो स्वयं हमने कर लिया, भारत सरकार ने स्टार्ट किया, तीन आधारभूत सिद्धांत है, पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। स्वयं प्रभा शिक्षण, सेल्फ एडुकेशन, इसमें स्वयं प्रभा में पूछेंगे कितने चैनल है, तो आपको चैनल याद करने हैं, 32 डीटीएच चैनल है इसमें, ठीक है। जो ये स्वयं प्रभा शिक्षण है, ये 32 डीटीएच चैनल का समूह है, जो जी सेट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है स्वयं प्रभा में, नई सामग्री एवरीडे, मतलब रोज नई सामग्री रोज 4 घंटे के लिए प्रसारित होती है, और दिन में 1 डे में 5 टाइम्स उसको दोहराया जाता है। क्या नई सामग्री एवरीडे प्रसारित होगी, 4 घंटे के लिए होगी, और एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। सेकंड है वेब पोर्टल रख रखाव की जिम्मेदारी, इसमें जो ये स्वयं प्रभा वेब पोर्टल है इसके रख रखाव की जिम्मेदारी पूछ लेंगे किसने, तो इन फ्लिबनी नेट INFLIBINET ये याद रखना, इन फ्लिबनेट, ठीक है, ये याद रखना।
इसके रख रखाव की जिम्मेदारी इसकी है। मैं ना अगर जो भी ये थोड़ी हो रहा है इसको ना मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगी और हाँ कल तक, कल या परसों में शेयर कर दूंगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको शेयर कर दूंगी। अच्छे नोट्स है, आपको समझ में आ जाएंगे इजिली, तो आप लोग इनको रिवाइज कर लेना। ये दो पेजेस के, मतलब दो चार पेज हो गए वैसे, दो पेज के नोट्स है। इजिली आप वीडियो को सुनना, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा सुनना, हाई स्पीड में सुन लेना, 1.7 या 2 पे सुन लेना। फिर जो नहीं समझ में आए ये नोट्स देखो, ऐसे ऐसे बना रखे हैं तो इजिली समझ में आ जाएंगे। मैं इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर कर दूंगी यूट्यूब पर ही। ये हो गया हमारा स्वयं प्रभा शिक्षण। अब ये पूछ सकते हैं डीटी, जो ये डीटीएच चैनल है, जो कि 32 डीटीएच चैनल है, ये किस किस को कवर करेगा? ठीक है, ये उच्च शिक्षा को कवर करेगा, स्कूल शिक्षा मतलब 9-12 लेवल को कवर करेगा और 11-12 कवर करेगा। ये डीटीएच चैनल इतने चैनल को कवर करेगा। अब ये हो गया, थोड़ा डिटेलिंग बता दी है और जैसे क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए वो बता दिए, जो आने की संभावना है वो बता दिए हैं। अब इससे भी जो अति महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ये ध्यान से सुनना, ये 20 क्वेश्चन है, इनके बारे में बताने जा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करूंगी और पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, आ जाएगा सब समझ धीरे धीरे। चलो, शिक्षण अभिक्षमता के मैंने लिखा है अति महत्वपूर्ण पर, जो कि 20 मैंने बनाए हैं और टारगेट रखते हैं कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, 30 मिनट्स की हो, तो 10 मिनट्स में मैं सोचती हूँ कंप्लीट करा दूंगी। चलो फिर, कक्षा शिक्षण फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान। देखो क्वेश्चन ना मैंने वैसे नहीं बनाए, जो मैंने पढ़ा ना उसी में से मैंने बनाए हैं, जो मैं बुक पढ़ती हूँ उसी में पूरी डिटेलिंग नहीं लिखी, जो मुझे लगता है ना कि यहाँ से बन सकते हैं वहां से मैंने बना लिए और अपने थोड़ा शॉर्ट में बनाया, क्योंकि निम्न में से कौन ये वो तो हम पढ़ ही लेते हैं, की पॉइंट्स पे ध्यान जाना चाहिए। जैसे कि कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान, अब ये थोड़ा निम्न में से कक्षा के आधारभूत प्रतिमान कौन है वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन की पॉइंट्स पे नजर जाएगी ना तो टाइम भी बचेगा। हमें ना एग्जाम में ऐसे ही करना है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 2 पेपर कंप्लीट करने हैं, तो की पॉइंट्स पे ही ध्यान जाना चाहिए, ये सबको ध्यान रखना है। चलो आओ फिर, कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान बेसिक मॉडल कितने हैं? 2 हैं, एक तो अधिगम का प्रतिमान, दूसरा है निर्देशन का प्रतिमान। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक बनने के लिए एक जो एक टीचर होता है उसको बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, उसमें मतलब एक क्या गुण होने चाहिए, एक टीचर एक शिक्षक हम किसको कहेंगे, या वो मतलब उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो शिक्षक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे जरूरी ना एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ बताओ, सब्जेक्ट नॉलेज। अगर उसे सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है ना तो वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा। अब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ, ठीक है, अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे पढ़ रही हूँ, मैंने काफी टाइम से पढ़ाया तो उसकी मुझे नॉलेज होगी, तभी तो आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर नहीं पढ़ती तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाती? अब मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं आपको नहीं समझा सकती ना। तो अगर हम एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। अब थर्ड है, विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए, एक शिक्षक को कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए? तो एनालिटिक सिंथेटिक मतलब विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि प्रयोग करनी चाहिए टीचर को। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण पूछेंगे कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या एक कला है, क्या एक विज्ञान है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो हमें याद रखना है शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी। अगर आए कला है सिर्फ विज्ञान है तो हमें उस पर टिक नहीं करना, अगर बोथ होंगे ना, यह विज्ञान है और कला है मतलब दोनों ए बी, तो हमें उस पर क्लिक करना है कि यह विज्ञान भी है और ये कला भी है, ये मतलब दोनों है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो शब्द प्रयोग किया जाता है, जब एक शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है एड्रागोजिकल, एड्रागोजिकल, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछेंगे कि शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या है, उसमें कई होंगे स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, ऐसे करके आएंगे,
तो आपको ध्यान रखना है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि उस पर बंदिशें तो होती नहीं है, वो एक स्वतंत्र लेवल से ही पढ़ाता है, मतलब आजाद होता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पे बंदिशें थोड़ी ना है, मेरी इच्छा करी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पे किसी का प्रतिबंध नहीं है, बंदिशें नहीं है। तो शिक्षक क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, और छात्र क्या होता है, एक आश्रित चर होता है, वो डिपेंड होता है टीचर पे, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र वर्गीकरण प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसने किया, बेंजामिन एस ब्लूम ने। अब 8 क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन करना, मतलब एवोल्यूशन। 9 है, सत्तावादी स्तर प्रशिक्षण को दर्शाता है शिक्षक केंद्रित। 10 है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र पर जो बौद्धिक कौशल होता है ना, वो किस क्षेत्र के द्वारा प्रतिबंधित होता है, वो होता है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के प्रति। अब 11 है, दृष्टिकोण प्लस मूल्य हितों को प्रतिबंधित किसने किया या कौन करता है, भावनात्मक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दृष्टिकोण मूल्य हितों को प्रतिबंधित कौन करता है, मतलब जो भावनात्मक क्षेत्र होते हैं ना, इमोशनल वाले, वो क्षेत्र प्रतिबंधित करते हैं दृष्टिकोण को, मूल्य को और हितों को। अब 12 है, अध्यापन के सिद्धांत, ये बहुत जरूरी है, अध्यापन के सिद्धांत बताइए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अध्यापन के सिद्धांत बताइए या अध्यापन के सिद्धांत है, तो इसके 4 सिद्धांत है। फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। सेकंड है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर। और फोर्थ है प्रकृति का पालन करना, ठीक है। ये 4 इसके सिद्धांत है, किसके, अध्यापन के 4 सिद्धांत है। अब 13 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ना स्टेटमेंट का है। अब आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी, स्टेटमेंट सुनना। शिक्षा मानव निर्माण है, जो चरित्र निर्माण करती है, मन को शक्ति, मन की जो शक्ति होती है हमारी वो बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ये किसने कहा। ऐसे स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आएंगे यूजीसी नेट में, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। अब मूव करते हैं 14 क्वेश्चन पे, जो कि है सूची। अब सूची से क्वेश्चन है, ऐसे आएगा सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, और हमको उनको मिलान करना है, ठीक है। और सूची के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आपको 2 का भी पता है ना तो आप इजीली आंसर लगा दोगे। तो इनको ना जो सूची वाले होते हैं उनको अच्छे से करके जाना चाहिए हमें, तो मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है जैसे क्रिया करके सीखना, और सेकंड है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, थर्ड है सत्य सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, फोर्थ है यह दुनिया जिस रूप में और अब यहाँ है। अब इधर जो सेकंड है, सेकंड सूची उसमें है प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, तो इसका हमें मिलान करना है। अब क्रिया करके सीखना ये क्या है, ये है व्यवहारवाद। और पर्यावरण के माध्यम से सीखना ये तो इजी है, ये है प्रकृतिवाद। सत्य सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, सत्य सौंदर्य और भलाई की अनुभूति ये है आदर्शवाद, आइडलिज्म। और रूप में यह दुनिया जिस रूप में और अब और यहाँ है, यह है रियलिज्म, यथार्थवाद, जिसकी बात मार्गंथो ने की थी। ये हो गया, ये थी विशेषताएं और दर्शन। अब सेकंड सूची पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दार्शनिक, एक साइड आपको दार्शनिक दे देंगे, एक साइड आपको विचारक दे देंगे। फर्स्ट दार्शनिक है टैगोर। अब विचारक है, विचारक फर्स्ट दार्शनिक टैगोर है। इन्होंने क्या कहा, बालक सभी प्रकार की, बालकों के लिए सभी प्रकार की पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो आपको पुस्तक पे जाना है, एकदम कीवर्ड पकड़ लेना कि टैगोर पुस्तक की ज्यादा बात कर देते। तो बालक सभी प्रकार की पुस्तक, बालकों के लिए सभी प्रकार की पुस्तक महत्वपूर्ण होती है। सही बात है, हमारे लिए तो सभी महत्वपूर्ण है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, नॉलेज मिल जाए। तो और सेकंड है विवेकानंद, इन्होंने योग की बात की। इन्होंने योग में क्या कहा, योग शिक्षा का एक माध्यम है। तो जैसे मिलान में आएगा ना, योग पे ध्यान रखना कि योग की बात किसने की थी, विवेकानंद जी ने। तो अगर आपको योग का पता है ना, योग शिक्षा का एक माध्यम है, ये किसने कहा था, विवेकानंद जी ने। गांधी जी, गांधी जी किस चीज की बात करते थे, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। ये तो सत्य अहिंसा की बात करते, तो सामंजस्य की बात, मतलब सामंजस्य बैठाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन सब की बात कौन करेंगे, गांधी जी। तो अगर आपको 2 भी पता है ना, तो आप मिलान अच्छे से कर लोगे, इसमें नंबर इजीली अच्छे से मिल जाते हैं अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के, क्योंकि और क्वेश्चन का 100% पता होगा तभी लगाएंगे, इसमें 2 का भी पता है ना तो भी बन जाते हैं। तो इसको ध्यान से करना। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म किसकी बात करते, कर्म का सिद्धांत।
तो ये हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 16 पे, कक्षा संचार गतिविधियों का तार्किक क्रम। अब कर्म जो ऐसे दे देंगे आगे पीछे, जैसे फर्स्ट पे जो फर्स्ट पे आना है वो थर्ड पे दे देंगे, थर्ड पे आना है, ऐसे करके उसको हमें क्रम में लगाना है। तो जैसे कक्षा संचार गतिविधियों का तार्किक क्रम लगाना है तो पहले योजना प्लस तैयारी की जाती है, फिर सामग्री की प्रस्तुति होती है, फिर किए गए कार्य का विश्लेषण होता है, फिर संशोधन और सुधार। पहले किसी भी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो पहले कुछ भी हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हम क्या पहले सब जाओ आओ योजना बनाते हैं, किसी का बर्थडे ही है तो हम क्या पहले प्लानिंग करेंगे, सब दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, यार प्लानिंग करते हैं उसका बर्थडे सरप्राइज पार्टी देंगे, तो पहले योजना बनाते हैं, ठीक है। फिर सामग्री इकट्ठा करेंगे क्योंकि वो भी तो चाहिए ना कि केक लाना है या अरेंजमेंट करना है, डेकोरेशन करना है, तो सामग्री को इकट्ठा करेंगे। थर्ड है फिर विश्लेषण करेंगे कि सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। विश्लेषण करने के बाद अगर थोड़ी गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, मतलब कि उसमें सुधार करेंगे। ऐसे ये क्रम ऐसे लगाए जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के अपने हिसाब से। मैं ऐसे याद करती हूँ, आपको ठीक लगे ऐसे कर लेना, नहीं तो अपनी ट्रिक बना लेना। अब 17 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है शिक्षण द्वारा, एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों का चक्रीय क्रम। क्रम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बनाए हैं। तो इसमें भी आगे पीछे दे देंगे, जैसे फर्स्ट पे दे देंगे समायोजित करना, सेकंड पे दे देंगे भिन्न मत होना, थर्ड पे दे देंगे रूपांतरण, तो हमें भी इसे सिक्वेंस वाइज लगाना है। तो जैसे क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों का चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें फर्स्ट आता है आत्मसात होना, फिर सेकंड आएगा समायोजित होना, थर्ड होएगा उसका रूपांतरण होना, और फोर्थ आएगा भिन्न मत होना। ऐसे याद करने क्रम वाले। अब 18 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्रम वाले भी बहुत पूछते हैं और ये मिलान वाले भी बहुत पूछते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर में भी काफी पूछे गए इसलिए मैंने ये बनाए हैं और पूछे जाएंगे, आप देख लेना। तो इसमें है शिक्षण प्रक्रिया सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षण उद्देश्यों का फर्स्ट है, शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण पे फोकस होना चाहिए। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करना, जो हमारे पास प्रेजेंट में नॉलेज है ना उसको अपने पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करना। थर्ड है शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फिर चौथा है मूल्यांकन करना, और फिर पुनः शिक्षण, फिर लास्ट में पुनः शिक्षण। ऐसे करके ये क्रम से याद करना है आपको। फिर 9 है प्रशिक्षण के मानकीकरण से रिलेटेड क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाएं। ये क्रम से बहुत पूछे जाते हैं, प्रशिक्षण के मानकीकरण से रिलेटेड क्रियाकलाप आगे पीछे दे देंगे तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। प्रशिक्षण की योजना, पहले योजना ही बनाते हैं हम, ठीक है। फिर प्रशिक्षण के मदों को तैयारी करना, प्रशिक्षण का प्रशिक्षण करना, और फिर विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन, लास्ट में क्या आता है मूल्यांकन करना। जैसे टीचर हमें पढ़ा देते हैं फिर हम मूल्यांकन करते हैं कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, मूल्यांकन लास्ट में आता है। तो ये भी क्रम से पूछे जाते हैं, आगे पीछे दे देंगे तो आपको सीक्वेंस से याद करना है। फिर लास्ट है, अब ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कौन सा या कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए, जब हम पढ़ाते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए, आगे पीछे दे देंगे। अब हमें इसको भी सीक्वेंस से लगाना है। तो फर्स्ट है उद्देश्यों का निरूपण करना, उद्देश्यों का निरूपण करना। सेकंड है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, और थर्ड है छात्रों की रुचि के बारे में जानना। ये तीनों है। अब देखो ये 20 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं। ये जो भी मुझे लगा टीचिंग एप्टीट्यूड से पिछले वर्षों के मैंने क्वेश्चन सोल्व करे हैं वो आपको बता दिए हैं, और ये जो आने की संभावना है वो बता दिया है। अब देखो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, अब इसके सेकंड यूनिट हम परसों डालेंगे जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड है। अब यार मैं आप लोगों से ना लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए नहीं बोलूंगी लेकिन कमेंट के लिए जरूर बोलूंगी, और सब्सक्राइब के लिए कमेंट करें जैसा भी आपको लग रहा है ना। वो इसमें प्रॉब्लम है, देखो अभी माइक नहीं है, ठीक है, और बोर्ड का अरेंजमेंट, अगर बोर्ड का अरेंजमेंट मैं कर लूंगी ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाए हैं, बोर्ड पर ही पढ़ाए हैं, अभी ऐसे नहीं बैठ रहा। अभी आपको लग रहा होगा नोट्स ये मैंने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, पूरा दिन आठ घंटा बैठ के पूरे अच्छे से लाइब्रेरी में तैयार करे हैं, अभी मैं कैसे पढ़ाऊं, अभी ऐसे ही पढ़ा सकती हूँ ना। तो कोऑपरेट करें अभी थोड़ा सा, और जैसे भी है ना नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट बताएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसी भी दिक्कत है वो सब शेयर करें, कमेंट करें,
और शेयर करें, आपके लोग आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का मैटेरियल ना जल्दी से मिलता नहीं है और लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं आती है। तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और अधिक से अधिक कमेंट करना, और जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो ना वो भी बताना, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी होता है ना स्टार्टिंग में सबको थोड़ा होता है। अभी मेरा ऐसा एक तो प्लान नहीं था कि यूट्यूब पे आके पढ़ाऊं, अभी शुरू किया है क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी सिस्टर बोलती थी कि तू मेरे को आके बताती है ऐसा कर, तू यूट्यूब पे चैनल खोल ले, तो हमने स्टार्ट किया। अभी धीरे धीरे सब होगा, कोई भी हो। अभी जो हिमांशी मैम है सी टेट की क्लासेस लेती हैं, आप सबने जितनों ने भी देखी होगी उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने अकेले से स्टार्ट किया था क्योंकि उनका भी पैशन था पढ़ाना और मेरा भी पैशन है पढ़ाना। मैं सोचती हूँ यार ज्ञान को रख के क्या करना है, सब में बांटो, सबकी हेल्प हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम आज पढ़ाते हैं इम्प्रूव नहीं होगा, धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम का भी प्रेशर है। ये सेप्टेम्बर में एग्जाम हो जाएगा तो थोड़ा फ्री माइंड हो जाएगा, तो हम पीसीएस की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएसआई के लिए करेंगे। तो क्योंकि मैं ये तीनों ही तैयारी रख रही हूँ कि यार